अलंकार। इस मॉड्यूल में आप यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। परिचय। शब्दालंकार का एक महत्वपूर्ण भेद है यमक अलंकार। परिभाषा। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। जब किसी वाक्य या कथन में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर्ण हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण। जे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाते हैं। यहाँ पहली बार बेर का अर्थ है बार और दूसरी बार बेर का अर्थ है फल। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यहाँ पहले मंदिर का अर्थ है अट्टालिका या इमारत या किसी महल का ऊपरी कक्ष और दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे का अर्थ है कम हो गया। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पहले मन का अर्थ है माला का दाना और दूसरे मन का अर्थ है हृदय। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। पंछी परछीने ऐसे परे परछीने बीर, तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। यहाँ पहले परछीने का अर्थ है पंख कटे हुए और दूसरी बार परछीने का अर्थ है बलहीन। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। जड़ चेतन हुआ राह बनने लगी, धारा झरना बनी और झरने लगी। यहाँ पहले झरना का अर्थ है जलप्रपात और दूसरे झरना का अर्थ है टपकना। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा शब्दालंकार का एक महत्वपूर्ण भेद है यमक अलंकार। जब किसी वाक्य या कथन में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है।